हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे ऑर्डर एयरपॉड्स, और हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के डिफरेंट एयरपॉड्स जो हैं वो ऑर्डर करेंगे, और सारे के सारे एयरपॉड्स हम एक ही वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे जो है daraz.pk। तो चलें आए ऑर्डर करते हैं फिर। तो इसमें से मैं कुछ एयरपॉड्स जो हैं वो ऑर्डर करूँगा। और ये सब चीज़ें जो है मैं अब ऑर्डर कर रहा हूँ, स्पेशली जो मेरे लिए है वो एयरपॉड्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो एयरपॉड्स सब कुछ सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और ये टोटल बिल जो है ये बन जाता है 12,230 रुपीज़, ठीक है। 5 एयरपॉड्स जो हैं अभी हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। शिपिंग चार्जेस जो हैं वो हमसे लिए जा रहे हैं 150 रुपये, प्रोसीड टू पे कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। ओके, कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाते हैं और कंफर्म कर देते हैं ऑर्डर। तो ये देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर परचेज। तो ये देख सकते हैं ऑर्डर हमारा डन हो गया है। तो गाइज, एयरपॉड्स तो हमने ऑर्डर कर लिए हैं, तो अब आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो चले फिर आप इतना वेट नहीं कर सकते, टाइम स्किप कर देते हैं। तो गाइज, फाइनली पार्सल आ चुके हैं। काफ़ी दिन लग गए, तकरीबन 14 दिन लग गए इन पार्सल्स को आते हुए। तो चलें फिर, ये 5 के 5 पार्सल्स हैं मेरे पास, तो इन 5 के 5 पार्सल्स को हम अनबॉक्स करते हैं और इनमें से एयरपॉड्स निकाल कर चेक करते हैं। तो ये वाला जो पार्सल है 3,860 रुपये का, ये वाला पार्सल सबसे लेट आया है, तकरीबन 14 दिन बाद आया है। तो मैं अब इन सभी पार्सल को बारी बारी अनबॉक्स करता हूँ, तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस 1,500 रुपये वाले पार्सल को खोलते हैं। इसमें भी लाइन लगती है। तो ये है जी i15 TWS, और इसके अंदर से निकलेगा ये कलर में, तो ये येलो कलर में है और अच्छा है, प्यारा है। तो एक आ गया, सेकंड वाला, तो ये है जी i11। तो ये है i11, और इसकी प्राइस जो है तकरीबन 800 रुपये का मुझे ये पड़ा है, और ये वाला 1,550 रुपये का पड़ा है। तो इसको खोल के देखते हैं, इसमें वाइट कलर में मिला है। ओके, एक केबल, इसको आईफोन का चार्जर लगता है। तो अब नेक्स्ट वाला खोलते हैं। ये है जी i7s, जो 700 रुपये में हमें मिला था। वाह, ये बड़े साइज वाला है, इनको यहाँ लाइन में लगा देते हैं। अब ये वाला नेक्स्ट है जी, ये सबसे महंगा है 3,850 रुपये का। मॉडल नंबर इसके ऊपर कोई नहीं लिखा हुआ, और इसके साथ हमें ये कॉपी भी मिली है। वाह, और इसकी पैकिंग भी काफ़ी डिसेंट है, और इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है दूसरे एयरपॉड्स की बनिस्पत। और इसके साथ ये केबल है, केबल भी काफ़ी अच्छी है, आईफोन की केबल डाली है इन्होंने। खैर, मुझे ये थोड़ी क्वालिटी में अच्छा लग रहा है, और इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। तो इसके बाद ये वाला, और इसकी प्राइस है 1,008 रुपये। वाह, ये ऑलरेडी पैकिंग खुली हुई है इसमें। ये है i12, 1,008 रुपये इसकी प्राइस है, और इसको खोलते हैं। और ऐसे लग रहा है कि ये यूज़ में, क्योंकि इसकी बैक साइड पे हल्के से स्क्रैचेस भी हैं, और इसके साथ हमें
पाउच मिला है वो नाइस, और ये एक कीचेन भी मिली है, और इसके बाद ये एक चार्जिंग केबल, और ये आ गए गाइस सारे के सारे पार्सल, सारे के सारे एयरपॉड्स। और इनमें अगर मुझे सबसे अच्छा जो जिसकी क्वालिटी लगी है अभी तक, क्योंकि अभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया, तो वो मुझे इसकी क्वालिटी लगी है। इसकी प्राइस भी 3,850 रुपये है, इस वजह से ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे क्वालिटी वाइज। तो अब मैं बारी बारी इनको टेस्ट करते हैं। ये है हमारे पास माइक, और तो अब हम इन्हें कनेक्ट करके बारी बारी चेक करते हैं कि क्या इनकी क्या परफॉर्मेंस है, सारी की सारी हम लोग चेक करते हैं। तो चलें, वैसे अगर आप देखें तो इसकी जो फिटिंग है ये भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसके बाद इनकी फिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी जो प्राइस है ये तकरीबन 700 रुपये है। तो गाइस सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। तो ये रहे इसके एयरपॉड्स, और चलें, आवाज़ काफ़ी लाउड है, बाकी तो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मसला एक ये बना है कि ये जो i11 है, i11 काम नहीं कर रहा, ये ख़राब है। मैंने इसको काफ़ी चेक किया, चार्जिंग भी लगाया, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा। तो मैं देखूंगा ये रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कोशिश करूंगा इसे रिटर्न करने की। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये ख़राब निकला है, ना ही काम कर रहा है। तो चलें इसको पकड़ के हम लोग साइड वे कर देते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं i12 के ऊपर। तो ये है i12, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसको हम लोग चेक करते हैं। इसमें से एक चल भी रहा है, एक के अंदर से लाइट भी चल रही है, और इसको हम करते हैं कनेक्ट। तो गाइस ये लास्ट वाले से थोड़े से अच्छे हैं, इसकी बेस थोड़ी सी अच्छी है, उससे बेस थोड़ी ज़्यादा है, उसमें तो बिल्कुल भी बेस नहीं थी। तो i12 जो है, i12 ज़्यादा अच्छा है i7s के मुकाबले में, और i11 तो चेक करने का हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो ख़राब निकला है। तो इसकी मैं आवाज़ आपको चेक करवाना चाहूँगा। आवाज़ इसकी काफ़ी लाउड है, बाकी मुझे ये पसंद आए, i12 अच्छे हैं। तो गाइज़ अब हमारे पास आया है i15, और अब हम चेक करते हैं i15 को, जो कि येलो कलर में है। तो इसको हम लोग खोलते हैं और चेक करते हैं। तो आवाज़ इसकी भी काफ़ी अच्छी है, और खैर मुझे तो इनमें इतना खास फ़र्क नहीं लग रहा, तो आप भी इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। खैर i12 और जो i15 है, इनमें मुझे इतना खास फ़र्क नहीं लगा, बाकी ये कलर में डिफरेंट है, बाकी क्वालिटी इतनी जो है अलग नहीं है, तकरीबन सेम ही है। तो गाइस अब हम आते हैं सबसे महंगे वाले 3,850 रुपये वाले एयरपॉड्स पे, जो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, और इसकी तो अनबॉक्सिंग भी करने वाली है। बिल्कुल जेन्युइन पैकिंग इसको लगाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका वज़न भी काफ़ी हैवी है, जैसे ही इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हल्की सी ग्रीन लाइट आपको नज़र आएगी। तो चलें इसको चेक करते हैं, इसकी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल जेन्युइन कॉपी इन्होंने बनाई हुई है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको सिर्फ एयरपॉड्स लिखा आएगा ब्लूटूथ में, इसमें इसका कोई मॉडल लिखा नहीं आ रहा। तो ये शायद ओरिजिनल की 100% कॉपी है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद इसे चला कर देखते हैं। इसमें बेस भी है, और इसकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आए हैं। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वज़न भी इसका काफ़ी हैवी है ये, और मुझे नहीं पता इसकी बैटरी टाइमिंग क्या होगी, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हैं, पता नहीं चल रहा जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, और इसकी बैक साइड पे भी आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा
डिज़ाइंड बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया असम्बल्ड इन चाइना। बिल्कुल जेन्युइन कॉपी इन्होंने बनाई है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो गाइज फिर आपने देखा हमने डिफरेंट प्राइजेस के डिफरेंट एयरपॉड्स इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स किए और शायद आपको पता चल गया होगा कि सबसे बेस्ट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरी सलाह माने ये वाले अच्छे हैं। और इसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं वो है i12 ये। तो उसके बाद i12 लें या फिर आप ये ले लें i15, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं ये सबसे महंगे वाले, उसके बाद i12 ये अच्छे हैं और उसके बाद ये जो i15 है ये अच्छी है। तो गाइज इन एयरपॉड्स में आपने देखा, मैं है इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बाकी एयरपॉड्स की भी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर करवा दीजिएगा। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं वो है ये, जिनके ऊपर कोई मॉडल नहीं लिखा हुआ, जिसके ऊपर सिर्फ एयरपॉड्स लिखा हुआ है। शायद इसकी बैक साइड पे इसका मॉडल नंबर लिखा हो, नहीं इसकी बैक साइड पे भी इसका कोई मॉडल नहीं लिखा हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आए हैं। और अगर आप इसे ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो इसका है i12। मुझे i12 ज़्यादा पसंद आया है बनिस्बत i15 के। i15 थोड़ा येलो कलर में अजीब लगता है, तो वाइट कलर में वैसे ये काफ़ी अच्छा है। इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है और उसके बाद i15 जो है ये भी अच्छे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आए हैं वो यही आए हैं, इनके ऊपर कोई मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ। और बाकी के ये जो दो एयरपॉड्स हैं ये तो काफ़ी सस्ता एयरपॉड है और i11 तो है चला नहीं, तो मैं देखूंगा, इसको कोशिश करूंगा रिटर्न करवाने की, हो सकता है रिटर्न हो जाए। तो गाइज फिर ये थी हमारी आज की एयरपॉड्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।